Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हैप्पी कॉमर्स हब सभी बोर्ड एस्पिरेंट्स का बिल्कुल अच्छा अच्छा वाला वेलकम है। आई होप सारे बच्चे एकदम हैप्पी हैप्पी हैं हैप्पी कॉमर्स हब की तरह। अब तक के वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवा दिया आपके नेचर के दो पॉइंट्स, मैनेजमेंट एज आर्ट और साइंस और मैनेजमेंट एज मल्टीडिसिप्लिनरी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जो भी स्टूडेंट्स नए हो एकदम से जो बिल्कुल आपके वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लो, साथ में एक बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएँ सबसे पहले आपको मिले और आप अपने दोस्तों से थोड़ा सा क्या करें आगे आ जाएं। स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन इन टूडेज एरा, यानी कि वर्तमान समय में इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड टू टेक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को किस तरीके से लेने की प्रवृत्ति हो गई है लोगों में एज अ प्रोफेशन, एक पेशे की तरह, ठीक है। मैनेजमेंट स्टडीज हैव ऑल्सो बीन पुट इनटू अ प्रोफेशनल साइंस कैटेगरी, और मैनेजमेंट की पढ़ाई को किस में डाल दिया गया है, पेशेवर विज्ञान की कैटेगरी में, ठीक है, प्रोफेशनल साइंस की। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज़ प्रोफेशन, पहले एक बार बेसिक नॉलेज के तौर पर बता देती हूँ फिर टेक्निकल टर्म्स में भी हम बात कर लेंगे कि पेशा क्या होता है प्रोफेशन क्या होता है। देखो व्हाट इज़ प्रोफेशन, वी सी डेली टीचर, ठीक है, डॉक्टर, एडवोकेट्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, CS वगैरह प्रोफेशनल्स क्यों हैं, क्योंकि इनको अपनी फील्ड की स्पेशल नॉलेज है जो हर किसी को नहीं होती। एज आई एम अ टीचर ऑफ कॉमर्स आई कांट टीच साइंस एंड अ टीचर ऑफ साइंस कांट टीच कॉमर्स, ठीक है। एक डॉक्टर का काम CA नहीं कर सकता, एक CA का काम डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि उनके प्रोफेशंस अलग हैं, उनकी स्टडीज़ अलग है, उनका प्रैक्टिकल वर्क अलग है। तो यहाँ पर हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर पेशा ये है तो मैनेजमेंट को पेशे की तरह क्यों माना जा रहा है। यहाँ पर आपको वही पैटर्न आपका एज अ पैराग्राफ एक्सेट्रा, जिसमें मैं हमेशा की तरह बिलीव नहीं करती। तो हम स्टार्ट करते हैं मेरे नोट्स के साथ, ठीक है। इन नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हो, और अगर PDF चाहिए तो आप कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे को, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, ठीक है। तो वहाँ पर आप इसका PDF ले लेना, अगर वैसे तो मैंने अपलोड कर दिया है फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं मिले तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, व्हाट इज़ प्रोफेशन बिफोर, ठीक है। तो पहले अगर हमें मैनेजमेंट को क्या करना है प्रोफेशन से कंपेयर करना है तो पहले ये तो जान लो कि प्रोफेशन क्या होता है, तभी तो कंपेयर करोगे। जैसा मैंने पिछली वीडियोज में बताया था किसी भी चीज़ को रिलेट करने के लिए किसी और चीज़ से हमें दोनों चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज स्किल एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज स्किल और ट्रेनिंग जरूरी होती है। द यूज ऑफ दीज स्किल इज नॉट मीन्ड फॉर सेल्फ सेटिस्फिकेशन, और ये किस लिए है, ये सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए नहीं होते, ये औरों को सेवा देने के लिए ही होते हैं। बट दीज आर यूज फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द सक्सेस ऑफ द यूज ऑफ दीज स्किल्स इज मेजर्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी अलोन, ठीक है। यानी कि आप क्या करें CA बन गए डॉक्टर बन गए तो खुद की संतुष्टि के लिए मत बनो भाई, समाज को सेवा करने के लिए आपने ये कोर्स किया है, समाज को सेवा करने के लिए आप इस पेशे में आए हो तो वो करो। उससे मिलने वाले सेटिस्फिकेशन को भी क्या कर सकते हो आप, मनी में मेजर नहीं कर सकते और ना ही इस स्किल को मनी में मेजर किया जा सकता है। परंतु आप क्या करते हैं अपने इस स्किल को लोगों की सेवा करने के लिए यूज में लाते हैं। इफ एनीबडी आस्क्स व्हाट इज प्रोफेशन देन यू कैन से प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन फॉर विच स्पेशलाइज नॉलेज, क्योंकि स्पेशलाइज वर्ड इसलिए लिया गया है, हर सेक्टर की स्पेशलाइज नॉलेज होती है। जैसा मैंने बताया डॉक्टर का काम CA नहीं कर सकता, CA का काम क्या कर सकता है, एक वकील नहीं कर सकता, तो सबकी स्पेशलाइज नॉलेज है, स्किल है, ट्रेनिंग है, आर रिक्वायर्ड एंड द यूज ऑफ दीज स्किल इज नॉट नीड फॉर सेल्फ सेटिस्फिकेशन बट दीज आर यूज फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द सक्सेस ऑफ द यूज ऑफ दीज स्किल्स इज मेजर्ड नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी अलोन। नाउ सैलेंट फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के फीचर्स क्या क्या है आपकी बुक में पॉइंट्स में दे रखे हैं, मैंने यहाँ पर उनको डिस्क्राइब कर दिया है। आप केवल ऐसा पॉइंट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लिटिल बिट डिफरेंट हो सकते हैं मेरे पॉइंट्स बट कंसेप्ट होना चाहिए, मटेरियल थोड़ा सा सेम हो सकता है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, देखो प्रोफेशन में क्या होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशंस आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि हर जो प्रोफेशन है उसकी खुद की एक ज्ञान की शाखा है, हर किसी की एक मेंटेन्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, हर किसी के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्टीट्यूशंस। तो आप किस में
द्वारा वो नॉलेज को गेन कर सकते हो, केवल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। डॉक्टर कोई खुद से नहीं बन सकता, सीए कोई खुद से नहीं बन सकता, सबके इंस्टीट्यूट्स है। वहाँ जाकर जो उनका पैटर्न है पढ़ाई का वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगी आपको डिग्री अवार्ड होगी और आप प्रोफेशन में आ पाएंगे। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी कि हर कोई एकदम से नहीं जा सकता पेशे में और हर कोई पेशे से एकदम से बाहर नहीं आ सकता। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, आप अभी जैसे मान लो ट्वेल्थ में काफ़ी बच्चों का सपना है यार मैं सीए बनूं, तो ऐसे तो ना कि ट्वेल्थ पास होकर आप बोलोगे अरे मैं तो सीए हूं। नहीं भाई, ऐसे नहीं बन सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा, जो एग्जाम्स हैं वो क्वालिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद जब डिग्री अवार्ड होगी ठीक है और आप क्या बन जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन के मेंबर, उसके बाद ही आप लोगों को बता सकते हो भाई मैं सीए हूँ या मैं सीएस हूँ। फॉर एक्स टू बिकम अ सीए इन इंडिया, सॉरी फॉर एग्जांपल टू बिकम अ सीए इन इंडिया अ कैंडिडेट हैज टू क्लियर अ स्पेसिफाइड एग्जाम कंडक्टेड बाय आईसीएआई। यानी कि अगर इंडिया में आपको सीए बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आईसीएआई बॉडी है उसके थ्रू जो एग्जाम्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद आप सीए बन पाओगे। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर प्रोफेशन का अपना एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। इसमें उस पर्टिकुलर प्रोफेशन से रिलेटेड सब लोगों का एक ग्रुप होता है ताकि वो क्या कर सकें, उनकी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो कर सकें। ऑल प्रोफेशंस आर अफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन विच रेगुलेट्स एंट्री, ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। फॉर लॉयर इन इंडिया इट्स कंपलसरी टू बिकम मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर इंडिया में आपको एज अ लॉयर एक वकील की तरह वर्क करना है तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सीए की तरह काम करना है, डिग्री ले ली परंतु सीए के आईसीआई के मेंबर ही नहीं बने तो भी आपकी डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, आपको आईसीआई की मेंबरशिप लेनी ही पड़ेगी। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं। तो जब आप उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में चले गए तो उसकी मेंबरशिप लो, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना होता है उसे हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। हिंदी में बात करें तो आचार संहिता। हर किसी प्रोफेशन की खुद की कोड ऑफ कंडक्ट होती है। डॉक्टर्स को सिखाया जाता है कि कभी भी पार्शियलिटी मत करो, धर्म वगैरह को देखकर क्या करो, अपने डॉक्टर के पेशे में पार्शियलिटी मत करो, हर किसी को केवल आप पेशेंट मानकर उसका इलाज करो। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट ही तो है, ऐसे थोड़ी ना कि वो लोग पार्शियलिटी करेंगे कि नहीं यार इससे तो मेरी लड़ाई हो गई थी मैं उसका इलाज क्यों करूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। डॉक्टर्स के लिए पहले उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, पहले उनके एथिक्स होते हैं, उनकी नीति शास्त्र होती है। जैसे कि हमें सिखाया गया है कि बचपन से क्या सिखाया गया है, यार अगर कोई मुसीबत में और हमारा दुश्मन भी है ना तो उसकी ट्राई करो हेल्प करने की। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एथिक्स हैं। और ये क्या है, जब बिल्कुल किस में आ जाए आपके उन रूल्स और रेगुलेशंस में आ जाए जिनको फॉलो नहीं करने पर पनिशमेंट भी मिल सकता है, तो वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कभी इसी मूवी जब ने देखी होगी क्या करते हैं वो लोग, शाहिद कपूर को बाद में डॉक्टर्स एसोसिएशन से बाहर निकाल देते हैं। अगर आप उनका लास्ट फाइनल डिसीजन सुनते हैं तो वो क्या है, एसोसिएशन ही तो है, क्योंकि उसने क्या करा, उनके कोड ऑफ कंडक्ट को खराब करा, उनकी बात नहीं मानी। जो तरीका था उसने क्या करा, नशे में किसी मरीज का इलाज करा जो कि अनएथिकल है और कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू बिल्कुल गलत है, तो उसको ऐसा पनिशमेंट के तौर पर जो भी उनका एसोसिएशन था उससे बाहर निकाला गया। सर्विस मोटिव, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व दियर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। इसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं होना चाहिए, इसका पर्पस होना चाहिए लोगों को सेवा देना, लोगों को सर्व करना। द टास्क ऑफ अ लॉयर इज टू इंश्योर दैट इट्स क्लाइंट गेट जस्टिस। जैसे कि एक लॉयर के लिए क्या टास्क होता है कि उसका जो भी क्लाइंट है उसको क्या मिले, न्याय मिले, जस्टिस मिले। नाउ वी विल कंपेयर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विद मैनेजमेंट एंड मेक द कंक्लूजन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर जैसे कि पुराने वीडियोज में हमने किया था, हम मैनेजमेंट के नेचर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रोफेशन है या नहीं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसा कि प्रोफेशन में होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वैसा ही क्या होता है मैनेजमेंट में होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास MBA कर सकते हैं, हम BBA कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप मैनेजमेंट की क्या कर सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, यूनिवर्सिटी जा सकते हो, वहाँ पर इस कोर्स को सीख सकते हो। तो ये क्या है, आपके लिए पर्टिकुलर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एज लाइक अदर प्रोफेशन नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी एक्वायर एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड थ्रू अ नंबर ऑफ बुक्स एंड जर्नल द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। Some of these have been set up with the specific purpose of providing management education, such as the IIM in India. India में कौन से main institute है management के लिए, IIM, Indian Institute of Management are the most popular institute for management in the India. These are the prestigious college for management in India. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल है जहाँ पर मैंने प्रेस्टिजियस कॉलेज की बात की। इसके अलावा बहुत सारे आपको इंडिया में बॉडीज मिल जाएंगी जो मैनेजमेंट के कोर्सेज चलाती हैं और मैनेजमेंट के पॉपुलर कोर्सेज हैं BBA और MBA. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे कि और प्रोफेशंस में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है वैसे ही यहाँ पर
कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर कंपेयर ही कर रहे हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए, तो हमारे पास क्या था, मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, बट मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन बींग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज मैनेजर इन एनी बिजनेस एंटरप्राइज। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उसको MBA करेगा तभी वो मैनेजर बनेगा। आराम से अगर किसी में नेचुरल क्या है ये गुण है देखा जाए तो, या फिर वो मैनेज कर सकता है तो बेसिकली उसको जॉब मिल जाती है, बट उसका MBA होना कंपलसरी यहाँ पर नहीं होता। एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर, ठीक है, ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस्ड अनलाइक प्रोफेशनल सच। यानी कि अगर आपने MBA नहीं कराना तब भी आप मैनेजर बन सकते हो किसी कंपनी के, सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग अंडर डॉक्टर और लॉयर टू प्रोसेस वैलिड डिग्रीज। जैसे कि लॉ और मेडिसिन में होता है कि उनको तो क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ा ना कि आपने केवल डॉक्टर की थ्योरेटिकल डिग्री ले ली, जब तक आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी तब तक आप प्रैक्टिकल वर्क भी नहीं कर सकते, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर टू प्रोसेस एनी सच स्पेसिफिक डिग्री, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है ये मैंडेटरी हो रहा है कि यार मैनेजर बनने के लिए कम से कम MBA तो होना ही है, बट इतना ज़्यादा इसको क्या कह सकते हैं लागू आप नहीं मान सकते। देयरफॉर एज सच द सेकेंड क्राइटेरिया हैज नॉट बीन स्ट्रिक्टली मेड, यानी कि मेट सॉरी ठीक है, यानी कि आपका क्या है, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया तो कंपेरिजन में मिल गया था, परंतु सेकेंड वाला क्राइटेरिया हमें यहाँ पर नहीं मिला। प्रोफेशनल एसोसिएशन, देयर आर सेवरल एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स इन इंडिया लाइक द AIMA, ठीक है। जैसे कि और प्रोफेशन से क्या होते हैं एसोसिएशन होते हैं, वैसे भी क्या है मैनेजमेंट के भी यहाँ पर कुछ सेवरल एसोसिएशन हैं, जैसे कि AIMA ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बी मेम्बर ऑफ सच एन एसोसिएशन, बट कंपलसरी नहीं है उनकी मेंबरशिप लेना। चाहो तो मेंबरशिप ले लो, चाहो तो मत लो, लेकिन बाकी जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए तो मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आप उसके मेंबर नहीं माने जाते और काम नहीं कर सकते। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये भी क्या हुआ आपके मैनेजमेंट से मैच नहीं हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ लेड डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ दियर मेंबर्स। उन्होंने क्या करा है, कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाया है बट इट इज़ मेंबरशिप, इट्स नॉट, जब मेंबरशिप ही कंपलसरी नहीं है तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, कोई नहीं करने वाला। हम मेंबर ही नहीं बने हम क्यों फॉलो करेंगे, और वैसे भी सब लोग क्या करते हैं बेसिकली अपनी मनमर्जी चलाते हैं जहाँ पर कोई कानून ना हो। सो दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज ऑल्सो नॉट मैच्ड विद अदर प्रोफेशंस। सर्विस मोटिव, द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स स्टेट गोल्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है मैनेजमेंट का तो जो मेन पर्पज होता है वो होता ही सर्विस है। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइजेज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल, हाउ एवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू एंड इट्स फास्ट चेंजिंग। बेसिकली मैनेजमेंट का एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्विस मोटिव ही होता है, तो ये वाला जो गोल है हमारा वो मैच करता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ही लेंदी है मेरा वाला जो नोट्स है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हो, आप केवल पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात मेन थी कि मैं आपको समझा सकूं, और मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन क्यों कहा गया है क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि अभी तक हम कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं, बट हमने यहाँ पर पॉइंट्स देख लिए कि हमें किस पैटर्न में आंसर एक्चुअल में लिखना होता है। देयरफॉर इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड मैनेजमेंट टीम दैट इज एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इट ऑटोमेटिकली सर्व सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर किसी कंपनी के पास बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कर रही है, सोसाइटी को सर्व कर रही है, क्योंकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है और अच्छी रेट पर बना रही है। सो वॉट इज द कंक्लूजन, इन द कंक्लूजन हैंस वी कैन से मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन, यानी कि पूर्णतः आप इसको पेशा नहीं मान सकते, फुल फ्लैश प्रोफेशन नहीं मान सकते, जैसे कि लाइक लीगल अकाउंटिंग फॉर मेडिकल प्रोफेशंस, बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि इसने क्या करा जो एग्जैक्ट क्राइटेरिया होता है प्रोफेशन का उसको फॉलो नहीं करा। तो यू कैन से इट्स प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन। आंसर में क्या लिखोगे, क्वेश्चन आता है दैट मैनेजमेंट इज प्रोफेशन और नॉट, दैट यू हैव टू से वी कांट से मैनेजमेंट एज फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन बिकॉज मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। ये तो हो गया हमारा छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमने जो ऊपर 5-5 पॉइंट कंसल्ट किए आप उसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एक बार आपकी बुक में एक पॉइंट और है, उसको भी हम यहीं पर सेम टाइम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन की बात की जाए तो ये 5 पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। उन्हीं पॉइंट को उसने क्या करा यहाँ पर ऐसा पॉइंट ना देकर नॉर्मल लाइंस में दे दिया, तो वो भी मैंने आपको पॉइंट्स में समझाया है।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द अबव एनालिसिस इट इज कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स. वेयर इज नॉट बायस ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स देयर फॉर द मैनेजमेंट कैन नॉट बी कीप्ड इन द एस्टेब्लिश प्रोफेशन कैटेगरी. ठीक है, जो मैंने आपको बताया था फुल फ्लेज्ड, वही आपकी क्या है एस्टेब्लिश प्रोफेशन कैटेगरी. बट इट कैन बी कैप्ड इन द फॉरवर्ड लुकिंग कैटेगरी एज शोन इन फॉलोइंग टेबल. ठीक है, आप इसको क्या मान सकते हो, फुल फ्लेज्ड पेशा नहीं मान सकते, परंतु पेशे की और अग्रसर फॉरवर्ड लुकिंग कैटेगरी उस श्रेणी में आप इसको ले सकते हो. अब आप यहाँ पर जो कैटेगरी दे रखी है वो थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही ब्लर है, तो वो एक्सप्लेन होने में आएगी भी नहीं. ये आप मुझसे, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आए तो मुझसे टेलीग्राम पर पूछ लेना. अब है यहाँ पर आपके जो पॉइंट मुझे समझाना था, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. ठीक है, व्हाट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट. प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अभी तक तो हमने किसकी बात करी, मैनेजमेंट की. अब क्या कर रहे हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट. थियोरेटिकली इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर टू कीप द मैनेजमेंट इन द कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन और नॉट. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट हाउ द मैनेजमेंट इज अडॉप्टेड इन ऑर्गेनाइजेशन, बी इट प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल. अगर बेसिकली सिद्धांत के रूप से बात किया जाए, थ्योरेटिकल रूप से बात किया जाए, तो पेशे की श्रेणी में प्रबंध को रखा जाए या नहीं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि इम्पोर्टेंट इस बात का है कि किसी संगठन में प्रबंध को कैसे अडॉप्ट किया गया, कैसे अपनाया गया है, पेशेवर या गैर पेशेवर, प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल. ठीक है, प्रमुख आपके लिए AS LC गुप्ता, ठीक है, एक अच्छे नोन, इनको आप रिसर्चर कह सकते हो. ठीक है, और प्रबंध शास्त्री कह सकते हो. इन्होंने कहा है द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर एंड प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बट प्रॉपर अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज नीडेड. यानी कि इनके हिसाब से क्या है, आपके पास डिग्री है नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यू है, क्लियर, और आपकी अप्रोच मैनेजर की तरह है या नहीं, वो डिपेंड करता है. जैसे कि किसी टीचर, मान लो आपके पास कोई टीचर है, उसके पास BEd की डिग्री नहीं है. ठीक है, तो अब अगर BEd की डिग्री नहीं है तो देखा जाए तो आपके सोचोगे यार मे बी इनको पढ़ाना नहीं आता हो, बट जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपने क्या देखा, यार मतलब लाइक BEd टीचर भी इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता जो ये सर या मैम हमें पढ़ा रही है. तो क्यों, क्योंकि वो उनकी अप्रोच अच्छी है उस चीज़ को लेकर. तो वैसे ही मैनेजमेंट में है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव डिग्री और नॉट, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव प्रॉपर अप्रोच और एटीट्यूड अबाउट योर मैनेजर स्किल. प्रोफेशनल्स हैव मोर इम्पॉर्टेंस देन प्रोफेशनल डिग्री. यानी कि आपको पेशे को क्या दिया गया, इंपॉर्टेंस दी गई है बजाय प्रोफेशनल आपकी डिग्री के. अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग फीचर. ठीक है, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या क्या फीचर हो सकते हैं, डेडिकेटेड टू प्रोफेशनल नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. यानी कि आपका जो पेशा है प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, आपकी नॉलेज और टेक्निक के लिए आप डेडिकेटेड होने चाहिए. यानी कि जो भी नई चीज़ें आ रही हैं आप उनको अडॉप्ट कर सकें और उनको क्या कर सकें, अपने मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकें. यूजिंग द टेक्निक ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ठीक है, जैसा इसमें था डेडिकेटेड टू, अगर आप अपने क्या करेंगे प्रोफेशनल के डेडिकेटेड होंगे तो ऑफकोर्स ये बात है नई नई चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और अपनी कंपनी में उसको अप्लाई करेंगे. तो यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इसमें आ जाएगा. इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, अगर आएगा तो आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हो. एम्फेसिस ऑन टीम स्पिरिट रैदर देन इंडिविजुअलिज्म. यानी कि ये लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान पर नहीं, व्यक्तिगत चीज़ पर फोकस नहीं करते. एम्फेसिस ऑन टीम स्पिरिट, किस पे फोकस करते हैं, टीम स्पिरिट पे, यानी सबका भला हो, ऐसा नहीं कि किसी एक का हो. तो रैदर देन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म को ये लोग क्या करते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं, दे प्रेफर टीम स्पिरिट. बी प्रिपेयर टू चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट. हमेशा चेंज के लिए रेडी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसको ट्राई करते हैं कि यार हम तो बदले नहीं. नहीं, जो प्रोफेशनल्स मैनेजर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि टाइम के साथ बदलते रहें और साथ ही में उनके अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी वो लोग उसको बदलवाने में हेल्प कर सकें. इन द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज रैदर देन ऑन बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, फैमिली रिलेशन, कास्ट और रिलीजन. यानी कि बेसिकली नेपोटिज्म अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रमोशंस के लिए, आपको रिक्रूट करने के लिए वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए बायसनेस हो किसकी, कि आप कहाँ पर जन्मे हो, क्या आपकी कास्ट है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, इन सब की नहीं होनी चाहिए. आप कैपेबल हो या नहीं इस बात का मैटर वहाँ पर होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए. तो ये सब किस में मिलता है, ये सब आपको मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट में. द ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज कंसिडर्ड. यहाँ पर क्या माना जाता है कि जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस एंड हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ योर बिजनेस. आपके कंज्यूमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, और ओनर्स हो गए, ये सब कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो
उन सब का क्या होता है, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, तो आपके डिसीजन ऐसे होने चाहिए जो सबके प्रॉफिट के हों। लास्ट पॉइंट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल पॉलिसीज, यानी कि जैसा हमेशा होता है कि हमेशा प्रेफरेंस किसको दो, अपनी नेशनल पॉलिसीज को, सोसाइटी को, तो ये अपने समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व होते हैं और राजनीतियों के प्रति भी। नाउ द कंक्लूजन इज हेयर फ्रॉम द बिगनिंग टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि जो आपकी 20th सेंचुरी थी उसके स्टार्टिंग से, द ट्रेडिशन ऑफ इंडिविजुअल लीडरशिप इन सोसाइटी एंड स्टेट वाज इफेक्टिव। पहले तो क्या होता था कि देखा जाए ना, तानाशाह होता था, जिसे आप कह सकते हो नेपोलियन जैसे था, यानी कि सिंगल आदमी क्या कर रहा है, सब पे राज कर रहा है। तो इंडिविजुअल लीडरशिप की क्या क्या थी, पॉपुलैरिटी थी और लोगों को दबना वगैरह पड़ता था, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, चेंजिंग एनवायरनमेंट द ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप वाज डेवलप, और ये लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप को अब डेवलप हो रहा है, यानी कि सामूहिक लोकतंत्र आ रहा है। पहले जैसे राजा महाराजा का शासन होता था, ऐसा नहीं होता ना अब तो क्या होता है आपके लिए डेमोक्रेसी है भाई, वोट दो और अपना नेता चुनो, तो वो चीज़ डेवलप होती जा रही है, नेता भी तो मैनेजमेंट ही करता है। The tendency of the collective leadership has given more importance to the effectiveness and efficient work. Collective leadership क्या करती है, effectiveness और efficient दोनों को importance देती है, और जो आपकी individual वाली leadership थी वो किसके ऊपर profit करती है, वो self profit maximization पर believe करती थी। Hence the relevance of professional individual is growing day by day. तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारा time, competition का market, वैसे वैसे ही क्या होता जा रहा है, पेशेवर व्यक्तियों की इंपॉर्टेंस भी, प्रोफेशनल लोगों की इंपॉर्टेंस भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। आई होप आप लोगों को आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो वापस ये कहूँगी, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टा पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, और पसंद आ गया हो तो कमेंट में बता देना कि ठीक है मैम हमें अच्छे से समझ में आया। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वापस मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी रहेगी यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट पे। जब तक पढ़ते रहना और अपना ध्यान रखना।